सो हाउ आर यू चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? ओके, सो ऑल द चैंपियंस आर रेडी फॉर टुडेज वेबिनार। सो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है आज का, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज आप सबको। सो सभी प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें, जस्ट हम 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं इस वेबिनार को। प्लीज अपनी अपनी सब वीडियो ऑन कर लीजिए। सो सभी चैंपियंस हैं, एवरीवन इज हियर चैंपियन, दैट्स अमेजिंग। प्लीज एवरीवन ऑन अ वीडियो, जस्ट वी आर अबाउट टू स्टार्ट दिस सेशन इन 1 मिनट। एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया है, प्लीज उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। अस्सलाम वालेकुम, ऐसा काफी सारे पर्सन को आई एम इन वेबिनार जल्दी जल्दी कर दीजिए। So, how are you all champions? So, करें वे सेशन आज का स्टार्ट। ओके ग्रेट, सो होप आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज वाले सेशन के लिए एंड बहुत ज्यादा ईगली वेट कर रहे होंगे बिकॉज आज थर्ड डे है एंड थर्ड डे आज ऐसा क्या धमाल होने वाला है वह आज आपको बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वेबिनार। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम आप सबका सेशन के अंदर। सो कैसे हैं आप लोग? Okay, so for yes you have to use this and for no you have to use this. Okay, याद ही होगा आपको। So कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने डे वन का वेबिनार भी देखा, डे टू का वेबिनार भी देखा एंड आज फाइनली थर्ड डे के सेशन में आए हैं? कितने लोग ऐसे, रेज हैंड कर दो, एक बार फास्ट रेज हैंड कर दो, बता दो पूरी ऑडियंस को एक्साइटमेंट अपनी। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इतने सारे लोग हैं। ओके यार, एक बात बोलना चाहूंगा आप सबके लिए ना, दिल से सलूट है आप सबको, दिल से सलूट है। रियलिटी बताऊं, आप में जो लर्निंग एटीट्यूड, जो पेशेंस है ना, नेक्स्ट लेवल है। प्लीज गिव ए बिग एंड फॉर योरसेल्फ। अपने लिए तो आपके लिए बिल्कुल बनता है, गिव ए बिग एंड फॉर योरसेल्फ, बिकॉज़ आज के डेट में ना लोगों में पेशेंस नहीं होती, स्पेशली इंडिया वालों में, है ना। लोगों में पेशेंस, अभी बता दो, अभी कर लेंगे, है ना। इनको वही होता है ना, नर्सरी क्लास के अंदर इनको चाहिए होता है साइंस थीटा कॉस थीटा। नर्सरी क्लास में पहले दिन एबीसी नहीं पढ़नी, हमें साइंस थीटा कॉस थीटा पढ़ाओ, है ना। टीचर को बोला होगा एबीसी बीबीसी छोड़ो, मुझे तो प्लस टू ग्रेजुएशन का सिलेबस दो, पीएचडी का सिलेबस दो, ऐसे होता है ना। तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात सोचो, पहले दिन ही आपको सारी खिचड़ी समझा दी जाती, समझ आता एक ही दिन में। इन सच्ची होता ना, पहले दिन सच में लगा था आपको, सच में समझ आया था कुछ, बिल्कुल बेसिक समझ आए थे। दो दिन में आपने देखा, आपकी कल बात भी कराई होगी आपकी स्टेट वालों से, देन आपको कुछ वीडियोस भी दी होंगी। अब आपका जो एक्सपीरियंस है प्लस आपका जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तो कितने लोगों का रियलिटी बताना मेरे को, आज का सेशन भी बहुत मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर उतना ही होगा और पता नहीं चलेगा टाइम का, कब टाइम निकल गया। ठीक है जी, तो मेरे को जस्ट इतना बताओ कितने लोगों की रियलिटी बताना, ये दो दिन का सेशन देख के और जिसने आपको इनवाइट किया उनसे बात वगैरह करके कॉन्फिडेंस लेवल रेज हुआ है? रियलिटी ना कि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि यार अब तो कुछ कर सकते हैं, अब तो जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, लॉकडाउन खराब नहीं होगा, प्रोडक्टिव ही होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। चलो दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो आज के वेबिनार में क्या होने वाला है, आज जो सेशन हो रहा है, आज इस सेशन में आपको क्या होगा, आज इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको आज एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिस ग्रुप का नाम है बिगिनर्स ग्रुप। ओके, किस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, इस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जिसका नाम है बिगिनर्स ग्रुप। एंड छोटी सी एक स्टोरी बताई जाएगी आज आपको, स्टार्टिंग में एक स्टोरी से हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आपको चीज बताऊं, इस स्टोरी के बेसिस पर आज का पूरा सेशन है, इस स्टोरी के बेसिस पे आज का पूरा सेशन है। तो ध्यान से आपको स्टोरी को समझना है, ध्यान से आपको स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है। स्टोरी के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो आपने यस नो करके आंसर करने हैं, चलेगा? तो मैं स्टार्ट ए स्टोरी, मैं स्टोरी स्टार्ट कर सकता हूं बहुत इजी लैंग्वेज में। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मेरे को स्टोरी सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। ओके सो क्योंकि स्टोरी से जो चीज समझ आती है वो सीधे सीधे समझ नहीं आता, एंड एज अ बैक बेंचर है ना, पॉइंट पे समझना ज्यादा बेटर। ओके तो क्या होता है, एक बारी की बात है, एक ना कल वाली स्टोरी याद है सबको? पहले वैसे कल वाली स्टोरी तो नहीं भूल गए, बंदर और बंदरी वाली स्टोरी याद है ना, कितने लोगों को याद है? हाँ, वो स्टोरी ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है। ठीक है जी, अगर समझ के करो तो सुनो। ओके, ये स्टोरी भी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कल बंदर बंदरी वाली स्टोरी सुनाई उससे भी नेक्स्ट लेवल स्टोरी है ये।
जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो क्या होता है, एक बार की बात है, तीन दोस्त होते हैं, मतलब तीनों दोस्तों का बचपन से डिजायर होता है कि हमें स्विमिंग सीखनी है, मतलब वी वांट टू स्विम, बट बचपन में पढ़ाई की वजह से प्लस बोर्ड एग्जाम से वो की वजह से वो कभी इनको टाइम ही नहीं मिला स्विमिंग सीखने का। तो अब क्या होता है कि वो तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, तीनों बच्चे मतलब ग्रोन अप हैं, एंड नाउ वो तीनों जो ग्रोन अप हैं उनकी शादी वगैरह भी हो चुकी है, चुन्नू मुन्नू भी है, ओके बीवी बच्चे भी है सब कुछ, ओके। तो क्या होता है कि वो अब सोचते हैं कि यार बचपन में तो टाइम नहीं मिला स्विमिंग सीखने का, क्यों ना अब ट्राई किया जाए, ओके। तो क्या होता है कि एक वीकेंड के अंदर दोनों सारे अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे जॉब, मतलब सबका सब सेट है, कोई जॉब में सेट है, कोई बिजनेस में सेट है। तो तीनों दोस्त क्या होता है, एक दिन जाते हैं स्विमिंग पूल जाते हैं ये सोच के कि आज हम स्विमिंग सीखेंगे। तो जैसे ही वो स्विमिंग पूल पहुंचते हैं, स्विमिंग पूल में वो देखते हैं कि एक साइड जो होता है बहुत ज्यादा डीप वाटर होता है, ऐसे होता है एक साइड बहुत ज्यादा डीप वाटर होता है और एक साइड बहुत ज्यादा शैलो वाटर होता है, ऐसे होता है डीप और शैलो। और वो तीनों को जगह मिलती है डीप वाटर वाली साइड, वो तीनों जाके उनको चेयर मिलती है डीप वाटर वाली साइड, वहां पे जाके बैठ जाते हैं, लोगों को देखते हैं, कोई फ्रंट स्टाइल कर रहा है, कोई बैक स्ट्रोक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनको अंदर से डिजायर आ रहा होता है यार हमें भी स्विमिंग सीखनी है, ओके। तो क्या होता है कि जो पहला दोस्त होता है, कितने दोस्त थे टोटल, तीन, जो पहला दोस्त होता है वो उठता है और उसके माइंड में आता है यार मैं करूंगा स्विमिंग, मैं कर दूंगा, मेरी भाई ऐसी मैं तो कर ही सकता हूँ स्विमिंग। जैसे ही पहला दोस्त उठता है, ओके, वो पूरा अपने आप को वार्म अप करता है, पूरा मतलब पूरा ऐसे अपने आप को ना पूरा करता है वार्म अप, एंड वार्म अप करने के बाद जैसे ही वो स्विमिंग पूल में डाइव करने ही वाला होता है, he was about to just dive deep water में, ओके, deep water में डाइव करने ही वाला होता है, एकदम से उसके माइंड में एक थॉट आता है। क्या आता है उसके माइंड में थॉट, कि अगर मैंने स्विमिंग पूल में छलांग मारी और अगर मैं डूब गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, मेरे रिलेटिव्स का क्या होगा। और ये जो डर था ना, इतना हावी हो गया उसके ऊपर, इतना ज्यादा ये डर ने उसको इतना ज्यादा हावी कर दिया कि वो माइंड में ये सोचने लग पड़ा कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, और इस डर ने उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया। और ये सोच सोच के उस बंदे ने सारी जिंदगी स्विमिंग पूल में छलांग ही नहीं मारी कि अगर मैं डूब गया तो मेरा क्या होगा। आपके हिसाब से क्या वो लड़का सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, क्या वो सक्सेस हुआ कि क्या वो फेल हुआ, जो पहला पर्सन, ओके, सक्सेस या फेल, ओके, सक्सेस या फेल, फास्ट 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 भाई, ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फेल, ओके, क्यों फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, ओके, ओके, बहुत सारे लोग, ओके, फेल इसलिए हुआ क्योंकि इसने मतलब ट्राई ही नहीं किया, एज इज दैट सो, ट्राई ही नहीं किया, ट्राई करता तो शायद होता कुछ, है ना, ट्राई ही नहीं किया तो फेल ही होगा, पहला समझ आ गया। अब हम आते हैं दूसरे पर्सन पे, जो दूसरा लड़का होता है ना वो थोड़ा गोल्लू मुल्लू सा होता है, मतलब ना मोटा सा होता है ना, कई क्यूट से बिल्कुल, है ना, वो ऐसे का होता था गोल्लू मुल्लू सा, ओके। तो वो पता क्या करता है, वो देखता है लोगों को स्विमिंग कर रहा होता है ऐसे, वो क्या है इसमें क्या है, हाथ पैर ही तो मारने हैं, मतलब वो अंदर से कहता है यार स्विमिंग करना तो आसान है, कौन सा कोई बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो मारने होते हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात, उसको स्विमिंग का ऐसे भी नहीं आता, उसको स्विमिंग का ऐसे भी नहीं आता, और उस क्या आता है उसके अंदर, एक क्या चीज आती है उसके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस। बिना ना वो सीखता है, ना वो किसी से पूछता है, और वो बंदा डाइव ही नहीं मारता, सीधा जंप करता है, सीधा भागते भागते जाता है, सीधा जंप करता है डीप वाटर में, मतलब इतना मोटा सा होता है, सीधा जंप करता है डीप वाटर में। एक टाइम पे तो पानी वाले लोग भी हिल गए थे कि भैया कुछ आया है कुछ अंदर, एक टाइम पे तो वो भी हिल गए कि ऐसा क्या आ गया। तो अब मुझे बताओ, बताने का क्या, पता ही आपको क्या हुआ होगा उसके साथ, क्या हुआ होगा, बढ़िया सीधा बन गया होगा ना, पूरा बढ़िया करना, क्या हुआ होगा, डूब गया होगा, ऑफ कोर्स डूबेगा, ऑफ कोर्स फेल हुआ होगा। अब क्या है, अब या तो उसको क्या है कि या तो वो डूब जाएगा, या जो लोग होंगे आसपास जिन्हें पता लगा होगा कि कुछ हिला है पानी में, कुछ हुआ है, वो उसको देखेंगे, उसको उठाएंगे, उठा के रखेंगे बाहर कि भैया ठीक हो, क्या हो गया था, है ना। तो अब वो क्या हुआ, ये रास्ता किसकी तरफ गया, सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया, सक्सेस की तरफ गया कि फेलियर की तरफ गया, ओके, फेलियर की तरफ गया, ठीक है जी। तो जस्ट मेरा कल को, अब वो फेल हो गया, कल को उसका बेटा उससे पूछता है कि पापा स्विमिंग करना आसान है, तो वो क्या बोल रहेगा, ना 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 तू मत कर लेना, मैंने भी की थी और मैं फेल हो गया था, ऐसे ही होगा, ऐसा ही होगा। तो दूसरी पार्ट की भी समझ आएगी स्टोरी आपको, दूसरा बंदा भी समझ आएगा, गोल्लू मोल्लू का क्या बना,
गोलू मल्लिक का हो गया गोलमाल। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन पे। स्टोरी समझ आ रही है सबको? इंटरेस्टिंग है, ओके, है ना, माइंड में वो स्टोरी बन रही होगी आपके एक साथ। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन में। जो थर्ड पर्सन होता है वो सोचता है कि मुझे पहले दोस्तों की तरह बेवकूफी नहीं करनी, पहली बात तो ये, ना मुझे पहली बेवकूफी करनी की ट्राई नहीं करना, ना ही दूसरी की तरह बेवकूफी करनी की ट्राई करना है तो मतलब सब कुछ खत्म कर देना है कि मतलब सभी को पता लग जाए कि ट्राई किया, ऐसा भी नहीं करना। वो एग्जामिन करता है, वो लोगों को देखता है जो लोग वहां पे स्विमिंग कर रहे होते हैं, और उनको देखता है, और तो देख के माइंड ही माइंड में ये सोचता है, अंदर ही अंदर ये सोचता है कि अगर ये लोग स्विमिंग कर सकते हैं, इनके भी दो हाथ है, इनके भी दो पैर है, तो मेरे में क्या कमी है। सही था, अगर ये लोग स्विमिंग कर सकते हैं तो मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो सोचते हैं बिल्कुल ठीक था। अब क्या होता है कि वो माइंड में ये चीज सोच लेता है, ओके, एंड उसके बाद क्या है, वो देखता है कि स्विमिंग पूल के अंदर ना एक डीप वाटर वाली साइड पे एक बंदा ऐसा था, एक कोच था जो लोगों को स्विमिंग सिखा रहा था, मतलब एक मेंटोर दिखता है उसको, एक कोच दिखता है स्विमिंग पूल में जो लोगों को स्विमिंग सिखा रहा था। तो वो सीधा उस पर्सन के पास जाता है जो कोच होता है, और कोच को जाके बोलता है कि कोच मेरे को भी स्विमिंग सीखनी है, बताओ मैं कैसे सीखूं। सही था, सही कर रहा है, यस नो, सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। जाके बोलता है कि मेरे को भी स्विमिंग सीखनी है, प्लीज मुझे बताओ मैं कैसे सीख सकता हूं। तो कोच उसे पता क्या बोलता है, कोच उसे बोलता है कि आज मैं स्विमिंग तेरे को दिख रहा है, आज मैं स्विमिंग डीप वाटर में कर रहा हूं, तुझे आज दिख रहा होगा कि आज मैं स्विमिंग डीप वाटर में कर रहा हूं, बट स्टार्टिंग मेरी भी कभी ना कभी शैलो वाटर से हुई थी, स्टार्टिंग मेरी भी कभी ना कभी बिगिनर लेवल से हुई थी। सही था। अब वो लड़का उठता है और सीधा जाता है शैलो वाटर में जाके, डीप डाइव नहीं मारता, सिर फट जाएगा, जंप मारता है, और उसके पता पैर लग जाते जमीन पे, पानी में उसके पैर लग जाते जमीन पे। तो मुझे जस्ट इतना बताओ, क्या रिस्क है उसका को डूबने का शैलो वाटर में, यस या नो, इज देयर एनी काइंड ऑफ रिस्क, कोई रिस्क है उसका डूबने का, यस नो, बिल्कुल रिस्क नहीं है। अब वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट करता, क्या आपके हिसाब से क्या वो एक ही दिन में स्विमिंग सीख जाएगा? प्रोफेशनली सीखना, प्रोफेशनली क्या दो दिन में स्विमिंग सीख जाएगा, क्या तीन दिन में स्विमिंग सीख जाएगा? नहीं सीखेगा, ओके। कितना टाइम लग जाएगा उसको स्विमिंग सीखने में, कितना टाइम लग जाएगा उसको स्विमिंग सीखने में? काफी टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, ओके। अब आपको बताता हूं, उसको लग गए तीन महीने उसको लग गए स्विमिंग सीखने में, 3 महीने। अब वो लड़का शैलो वाटर में स्विमिंग करना सीख चुका है, क्या अब वो सेम लड़का डीप वाटर में जाके स्विमिंग कर सकता है? यस या नो, क्या वो सेम लड़का डीप वाटर में जाके स्विमिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? सीख चुका है, बट अब वो डीप वाटर में भी सीधा नहीं जाता, डीप वाटर में जो कॉर्नर होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के स्विमिंग करता है। अब प्रैक्टिस 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 प्लस उसके साथ एक पर्सन था, कौन था? कोच। कौन था? मेंटोर। सीखता जाता है। अब वो डीप वाटर में भी पूरा प्रोफेशनल हो गया। क्या अब वो सेम लड़का क्या पैसिफिक ओशन में जाके स्विमिंग कर सकता है? क्या अब वो सेम लड़का पैसिफिक ओशन में जाके स्विमिंग कर सकता है? पैसिफिक ओशन में, यस या नो, पैसिफिक ओशन में बिल्कुल कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू यू प्लीज मुझे अब आंसर देना है, आपने ये रास्ता किसकी तरफ गया, सक्सेस की तरफ गया या फेलियर की तरफ गया? ये रास्ता किसकी तरफ गया, सक्सेस की तरफ गया या फेलियर की तरफ गया? ओके, सो हाय मिस्टर शिखर मौर्य, प्लीज आप बताइए, ये रास्ता किसकी तरफ गया, सक्सेस की तरफ गया? ऑब्वियसली सक्सेस की तरफ गया। सक्सेस की तरफ गया, क्यों सक्सेस की तरफ गया शिखर जी? सो बिकॉज़ दैट पर्सन, मतलब वो पर्सन जो एक मेंटोर को फॉलो किया है ना, उसने सीधा जाके छलांग मारी, कोच को फॉलो किया। या एग्जैक्टली सर, ओके, और एंड मतलब लाइक पहले के जो दो पर्सन थे ना, तो उसने क्या बोलते हैं, एकदम डर गया वो, ठीक है, पहले से ओवरथिंक कर लिया उसने, ऐसा नहीं हुआ ना कि उस पर्सन ने जाके छलांग मारी, उसने क्या किया, देखा सारी चीजों को, समझा कि यार मुझे पहले सीखना पड़ेगा, एंड ही अंडरस्टैंड वन थिंग कि यार मुझे टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है, उसको एक चीज पता थी, गुड थिंग्स टेक टाइम, एंड वो मेंटर के पास गया, मेंटर ने उसे सिखाया, सब कुछ समझाया, देन वो फिर सक्सेसफुल हुआ। तो मेंटर जरूरी होता है लाइफ में, इज इट मेंटर इंपॉर्टेंट? मेंटर के बिना काम चल जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, गिव मी बिगिन विद मिस्टर शिखर मौर्य। शिखर कहां से आप? सर आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा माइंडसेट आपका, बहुत अच्छा एटीट्यूड है. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके तो मतलब पता लगा कि उस लड़के में एक लर्निंग एटीट्यूड था, उसको टाइम लगा बट वो परफेक्ट हुआ, प्लस उसके पास मेंटर था. तो सब कुछ थोड़ी समझ आई, सबको स्टोरी समझ आई या सबको मॉरल समझ आया स्टोरी का? कितने लोगों को मॉरल समझ आया, एक बार रीजन करके बताओगे, रीजन करके कितने लोगों को मॉरल समझ आया? ओह माय गॉड, सभी लोगों को मॉरल समझ आया. ओके दैट्स ग्रेट. चलो ठीक है, अब स्टोरी के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा आपसे, पूछ सकता हूँ? इसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस पूछें, बात करेंगे स्टोरी के बेसिस पे. अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई तो मैं स्टोरी के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, चलेगा? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर अभी राइट नाउ एम्प्लॉई हैं, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं? ओके ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट सभी. ओके स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे टाइप टू, मतलब टू शो करना, स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, डॉक्टर पीएचडी वगैरह पढ़ रहे हैं? ओके कब से लोग. ओके जॉब कितने लोग कर रहे हैं, ऐसे थ्री करके शो करना, जॉब जो लोग जॉब कर रहे हैं. ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. कितने लोगों का बचपन से माइंडसेट था, बचपन से ड्रीम था कि हमें तो बिजनेस ही करना है? कितने लोगों को बचपन से माइंडसेट था कि हमें तो बिजनेस ही करना है? ओके आपका था ब्रदर, ठीक है जी. ओके मैम आपका भी था, ठीक है. कितने लोगों को बचपन से माइंडसेट? ओके बहुत कम लोगों का, बचपन से तो यही बोला जाता है बेटा पढ़ ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हाँ हमें तो यही बोला जाता है बच्चों, मिडिल क्लास वालों को बिजनेस बिजनेस के कहाँ सपने दिखाए जाते हैं. और कई वाले को मिडिल क्लास वालों को ये बोला जाता है उनकी हराम की कमाई है, ये जो गाड़ियों में घूम रहे हैं ना मर्सिडीज में, बीएमडब्ल्यू में, इनकी हराम की कमाई होती है, ये दो नंबर का पैसा होता है. सुना होगा कई मिडिल क्लास फैमिलीज में बोला जाता है ना, यही सुनने को मिलता है. नाउ माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, कितने लोगों का अब जाके माइंडसेट बन गया है दो दिन का वेबिनार देख के, ये देख के कि यार ये 20 साल का लड़का अगर 5 लाख प्लस अर्न कर सकता है, ये 20 साल का लड़का सोशल मीडिया को यूज करके, फोन लैपटॉप एंड कप ऑफ कॉफी को यूज करके लॉकडाउन के अंदर अच्छी अर्निंग कर सकता है, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं बिजनेस कर सकते? कितने लोगों का अब माइंडसेट बन गया है ये दो दिन का वेबिनार देख के और आज का वेबिनार देख के कि हमें भी बिजनेस ही करना है? जस्ट रीजन. ओके इतने सारे लोगों का बन गया. वीडियो वाला रेजेंट करो, वीडियो वाला रेजेंट, वीडियो के अंदर अगर आप हो रेजेंट करो वीडियो में, सभी का हो गया. ओके एक चीज जरा चेक करना, एक बार रेजेंट ही करना प्लीज, सभी रेजेंट करना, एंड रेजेंट के अंदर ही जरा राइट लेफ्ट चेक करो एक बार, स्क्रीन के ना इधर जाओ, मेरे से दूर जाओ थोड़ा, मेरे से दूर नहीं मतलब मेरी अगली स्क्रीन पे जाओ, लेफ्ट राइट चेक करो जरा. आपको बहुत सारे बॉयज दिखेंगे, आपको बहुत सारी गर्ल्स भी दिखेंगी, एंड सभी मैक्सिमम आपको अपनी एज के दिखेंगे, ऐसे ही है, सभी आपको मैक्सिमम अपनी एज में दिखेगा, कोई ज्यादा बुजुर्ग नहीं दिख रहा होगा आपको, बड़ा नहीं दिख रहा होगा, सभी आपको अपनी एज के दिख रहे हैं. एम आई राइट? मतलब यूथ है मैक्सिमम इस वेबिनार में. आज वापस आ जाओ, ज्यादा आगे नहीं जाना भैया, आज वापस आ जाओ, ज्यादा आगे नहीं जाना. कितने है ये, कितने है ये? आ जाओ वापस, अभी भी कहीं नहीं आए. कितने है ये? हाँ अब यहीं पे रहना है, मेरी तरफ ही रहो, कहीं देखने को. अच्छा ये भी आई है, अच्छा ये भी आया है, और देखते हैं और देखते हैं आगे आगे तो कहां पहुंच गए, इधर ही रहो. ओके चलो ठीक है. नाउ अभी आपने एक चीज नोटिस की, मैंने पूछा कि कितने लोगों का अब माइंडसेट बन गया है कि उन्हें बिजनेस करना है, मतलब 99.9% लोगों का रीजन हुआ कि हमें बिजनेस करना है. सबसे ज्यादा सारे यूथ थे, सारा यूथ था, मैक्सिमम यूथ ने रीजन किया. बट सॉरी टू से, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सेशन थोड़ा सा ही रहता है, बात को ध्यान से समझना. जितने लोगों ने अभी रीजन किया कि हमें बिजनेस करना है, हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है या बिजनेस करना है, सॉरी टू से बट उनमें से 99.9% लोग बिजनेस में टोटली फेल हो जाएंगे. मतलब 98% लोग जो है ना, 99 भी छोड़ो, अब 98% जो लोग हैं इस वेबिनार में जिन्होंने अभी रेज एंड किया, वो टोटली फेल हो जाएंगे बिजनेस में. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, day before yesterday you talked, told us about the business that you can do, kal bhi aapne bada motivate kiya, bandar bandri wali story sunayi, aapne bola aisa waisa, ab aap keh rahe ho ki fail ho jayenge. kitne logo ke mind mein shak sa aaya, ye reason puchne ki ek chaah aayi ki reason kya hai, aisa kya 98% log fail ho jayenge, matlab hum webinar dekh rahe hain, hum bewakoof hain ki hum to fail ho jayenge, pehle hi bata rahe hain, humne do din waste kar diye kya?
ऐसा किसी कई लोगों माइंड में I want to tell you some reasons. May I? कौन होंगे वो 2% लोगों में? कई लोगों को तो रात को नींद भी नहीं आई. चैट में बता रहा है एक लड़का श्री, एक पर्सन की, सर मेरे को तो नींद भी नहीं आई रात को. फर्स्ट पॉइंट, 98% लोग इसलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि वो ये तो सोचेंगे कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है. बट जब वो बिजनेस करने के बारे में सोचेंगे, करना शुरू करेंगे, तो वो ये सोचेंगे अगर मैंने बिजनेस किया तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे मम्मा क्या सोचेंगे, मेरी घरवाली क्या सोचेगी. नहीं भी है तो भी कहीं फ्यूचर का सोच लेते हैं, मेरी घरवाली क्या सोचेगी, मेरा घरवाला क्या सोचेगा, यार लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने बिजनेस किया तो. ये सोच सोच के अपने माइंड को इतना वो कर लेंगे कि चार लोग क्या सोचेंगे, ये सोच सोच के वो कभी बिजनेस को ट्राई ही नहीं करेंगे. ये आएंगे पहले 98% लोग. तो कितने लोग कहते हैं कि हम तो भैया नहीं है, हम तो इस चीज कैटेगरी में नहीं आने वाले, हमारा डिसीजन है तो हम ही लेंगे, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे. सॉरी फॉर दिस वर्ड, हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों ने तब भी सोचना जब आपके अल्ले पल्ले बहुत कुछ है, लोगों ने तब भी सोचना जब आपके पास अल्ले पल्ले कुछ नहीं है. आप माउंट एवरेस्ट पे भी चले जाओ ना, वहां पे जाके आप झंडा झाड़ दोगे माउंट एवरेस्ट, वहां पे तब भी आपके रिश्तेदार बोलेंगे हे पागल कहां पहुंच गया हिमालयस में, घर पे बैठता बढ़िया पॉपकॉर्न खाता नेटफ्लिक्स देखता, वो देख कहां पहुंच गया. आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे लोग कहते हैं बिल्कुल भी हमें कोई इशू नहीं है, हमें नहीं सुन, हम वी डोंट केयर व्हाट एवर पीपल से. ओके, आप सभी वेलकम, कांग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप पहुंच चुके हैं आगे 2% वाली कैटेगरी में. बट ये जो दोस्त जो सेकंड सेकंड बताने लगा हूं मैं, मैक्सिमम लोग इसमें गिरते हैं. मैं आज आपको बिगिनर्स ग्रुप में ऐड करवाना है तो पहले पहले मुझे पता है कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द वेबिनार में मुझे इतने से लोग चाहिए. क्योंकि जो सेकंड कैटेगरी में बताने लगा इसमें आप फेल हो जाओगे. बता दूं ये इसमें सबसे ज्यादा लोग फेल होंगे. और मैंने अपने करियर में हजारों में लोग गिरते देखे हैं, हजारों में लोग गिरते हुए देखे हैं इस चीज में जो मैं सेकंड बोलने लगा. मे आई, दैट्स द पॉइंट इज सर, बिजनेस तो करना है बट सलाह उन लोगों से लेते हैं. पता क्या करते हैं, सर बिजनेस तो करना है बट पता है सर मेरी ना बुआ की चाची की मासी की दादी की बेटी ने ना बिजनेस किया था सर, वो फेल होगी. सर अगर वो फेल होगी तो शायद मुझे लगता है मैं भी फेल हो जाऊंगा या मैं भी फेल हो जाऊंगी. सर मेरी बुआ ने भी बिजनेस किया था, सर मेरे पापा ने भी किया था, पापा फेल हो गए, कहीं मैं हो गया तो. समझे मतलब क्या है इसका? प्लीज सी योर हैंड, क्या पांच उंगली एक बराबर होती है? क्या पांच उंगली एक बराबर होती है? अगर क्लास में एक टॉपर है तो एक फेलियर भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर क्लास में एक टॉपर है तो फेलियर भी मिलेगा. टॉपर से जाके पूछो कैसा पढ़ाया जाता है, अरे मस्त पढ़ाया जाता है, मतलब सही है, इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा प्रिंसिपल है. एक फेलियर का जाके पूछा हत बेकार स्टाफ है, बेकार स्कूल है, इनके तो बेंच टूटे हैं, इन्हें तो पढ़ाना ही नहीं आता, इनसे तो मैं पढ़ा लूं. लाखों रीजन होंगे, सही कह रहा हूं. कई उठ के आ जाएंगे हमने भी किया है, फ्रॉड होता है, ये सब फेक होता है. उन्होंने की होगी अपने टाइम पे, बट आज की डेट में टाइम चेंज हो चुका है. आज की डेट में वो ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता है, ये प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं घर घर जाके, चेन बनाने. अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता था यहाँ पे शायद ना प्रोडक्ट पड़े होते. फर्स्ट पॉइंट, मैं दो दिन से प्रोडक्ट की बात कर ले लो या ये कर रहा होता, या फिर क्या होता, अगर प्रोडक्ट की बात होती तो शायद मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाते तो खाली प्रोडक्ट ही दिखते. ऐसा दिखा आपको, ऐसा कुछ दिखा? और सबसे बड़ी बात, वेबिनार किसने देखा है, बिजनेस किसने देखा है, ये थर्ड डे का वेबिनार कौन देख रहा है, आपकी कोई और, आप देख रहे हो तो किसी और को क्या पता इस चीज के बारे में नॉलेज. ओके, कोई कमर्स बैकग्राउंड से उससे मैं बोलूं जाके यार मुझे ना बायोलॉजी में ये प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में प्लीज पढ़ा दे, पढ़ा पाएगा कमर्स वाला मुझे बायोलॉजी पढ़ा पाएगा. तो सेम वे अंडरस्टैंड करो गाइस, मैक्सिमम लोग आप सेकंड कैटेगरी में क्यों गिरते हैं, बिकॉज वो उन लोगों से सलाह लेते हैं जिन्हें बिजनेस का भी नहीं पता. अगर मुझे कमाने लाखों रुपए हैं तो मैं सॉरी यार मुझे उससे थोड़ा सलाह लेनी, तो 10,000 कमा रहे सिर दुख रहे तो मोची की सलाह लेनी है. कल समझाया था. तो यहाँ पे किसको देख रहे हो आप वेबिनार में? मुझे.
तो सलाह किसकी लेनी है, मेरी लेनी है या उस दोस्त की लेनी है जिसने खुद कुछ नहीं करना, ना नचना ना नचन देना, किसकी सलाह लेनी है? क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि दो दोस्तों ने सोचा था कि हम दो भाइयों ने सोचा था हमने बंद कमरे का बॉम्ब बनाना है, तो लोगों ने उनको मोटिवेट नहीं किया होगा, यही बोला होगा बना लिया हवाई जहाज। आप ट्राई करके देख लो, आप अपने दोस्तों में बोलो, अपने घर पे बोलो कि पापा मैं ना कुछ बड़ा करूंगा लाइफ में, देखो आगे से क्या आता है। मम्मी को बोलो देखो क्या आता है उड़ती उड़ती। अच्छा पेपर से दिए नहीं जाते, लड़के को जाता बर्तन साफ कर लिए, बड़ी बनेगी तू, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। बट आज मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहूंगा राइट नाउ, बिकॉज थोड़ा सा सेशन रह गया, जिन्होंने डिसीजन लिया अपने आप से, जिन्होंने किसी एक्स वाई जेड की नहीं सुनी, सॉरी उन्होंने अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी, बिकॉज उन्हें पता था वेबिनार उन्होंने देखा, टेक्नोलॉजी उन्हें पता है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता। एंड आज वो कहां पे है, यहां पे खाली दो दिन में तीन दिन में आपने मुझे देखा है, यार मैं इतनी बड़ी, मैं अकेला तो नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ कुछ लोग चले होंगे तभी बनाऊंगा, मेरे साथ कुछ टीम बनी होगी तभी चलाऊंगा, तभी पहुंचाऊंगा, तभी बनाऊंगा, am I right? तो आज मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ जो आप ही की तरह मिले थे, आप ही की तरह यहाँ पे आए थे, एंड आज उनका माइंडसेट क्या है, कैसे किस बेसिस पे है। सो लेट्स मीट। सो हाय मिस हरिप्रिया, हाउ आर यू? सो फर्स्ट मैम अपना अनम्यूट कर लीजिए। सो हाय मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर, गुड इवनिंग। या सो मैम थोड़ा बताओगे अपने बारे में, कहाँ से हो मैम? मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। ओके सो मैम आप ही इंस्टाग्राम पे मिले थे? महीना हुआ है यहाँ पे आए हुए, और लाइक मेरे को कुछ करना था लाइफ में, तो मेरे को यहाँ प्लेटफॉर्म मिल गया, लाइक मेरे को दिखा फ्यूचर अपना, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। बहुत ही अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैं लाइक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन होती थी, मैं कहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती थी पर्सन के साथ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो हमें लाइक स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलते थे सीखने। ओके सी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। मैम यहां पे बेसिकली मैम कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है क्या? हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है यहां पे, तो मैम सच में कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है क्या? हां जी सर, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। सो First of all, introduce myself that this side Monisha, I basically belongs from Uttar Pradesh. Confidence की बात की जाए तो मेरे starting के introduction से ही पता चल गया कि confidence कितना बढ़ता है यहाँ पे, कि because I was very introverted person, मैं बहुत ही introverted, even अपने घर में नहीं बोलती थी, right? तो basically यही है, girls के लिए बहुत ही amazing platform है, और confidence level की तो आपने देख ही लिए होंगे, ऐसे बहुत सारे leaders जो आप आगे उनसे मिलेंगे, right? Okay sir. ओके सो मैम बेसिकली विजय स्वानी, आपने क्यों इस बिजनेस को चूज किया? आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस थी, आप तो बहुत अच्छी स्टडी भी कर रहे थे, आपने इसको क्यों चूज किया विजय स्वानी? देयर वर टू रीजंस लाइक मैंने इसको चूज करा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, अपने बारे में बता दूं, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, चाहता तो मैं अपना हैंड ओवर कर लेता वो भी, बट रीजन क्या था, वो पेरेंट्स का था, वो मेरा नहीं था, तो मेरा वाई क्लियर था, मुझे खुद को अपना वो क्रिएट करना, खुद का ब्रांड बनाना है, तो मैं यहाँ पर आया। एंड सेकंड रीजन वॉज देयर, लेकिन आप सब जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। बस देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि यार आप जो भी करते हो, ठीक है, अभी मशीन लैंग्वेज का जमाना आ रहा है, अभी आप फ्यूचर देखो अपना, आप अपना पास्ट में देखो, अपना प्रेजेंट में देखो, अपना फ्यूचर देखो, बिकॉज आपको ऐसा नहीं कि अभी आपकी डेथ हो जाएगी, आपका टाइम में अपना फ्यूचर देखो, आने वाले 25-30 साल किस चीज के होने वाले हैं। ओके सो देखो आप सब जानते हो कि अभी आप मोबाइल से कनेक्टेड हो हमारे साथ, तो इट्स ऑल अबाउट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आने टाइम मशीन लैंग्वेज का टाइम है, आने वाला टाइम रोबोटिक्स का टाइम है, ठीक है, तो उसको अगर आपको बीट करना है ना, तो अरे रोबोट्स का टाइम आ रहा है आने वाले टाइम में, इसलिए आपने मतलब सोचा? या बेसिकली सर यस, इसलिए ही मैंने सोचा, बिकॉज देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज रोबोट्स ले लेंगे, तो हम थोड़े ना पता कि घंटी बजाएंगे मंदिर के अंदर, कुछ तो करना है ना लाइफ में बड़ा, तो बस इसलिए यहाँ पर, इसलिए आगे। अरे यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक चीज नोटिस कर रहे हो एवरीवन, इज भवेश यहाँ पे, मतलब मेनली यूथ आ रहा है, यूथ यहाँ पे साथ में है कि मतलब बुढ़े बुढ़े लोग हैं? No, sir. Almost 90% हमारे साथ यूथ ही कनेक्टेड हो रहा है। तो अर्निंग वर्निंग होती है कि बस खाली बातें होती है यहाँ पे? चेक भी होते आएंगे सर, बहुत अर्निंग तो छोड़ो, अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी होती है। ओके तो भविष्य आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, मतलब बड़ी यंग एज में आए हो आप भी, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? या रिसेंटली जस्ट 18, ओके, एंड मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था, एंड आगे जाके एमबीए करने का सोचा था कि एमबीए करके अच्छी खासी जॉब मिलेगी, बट जब बस जो मेरा फर्स्ट डे था तब मेरा ये स्क्रू जो ढीला था
वो अच्छे से फिट हो गया कि नहीं भाई, जो एमबीए के बाद हो सकता है, राइट? एमबीए बिजनेस करके मैं जॉब के पीछे भाग रहा था, तो ये मेरा माइंडसेट पूरा टोटली चेंज हो गया, 360 डिग्री मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अभिषेक, 9 पीएम का वेबिनार कौन से होते हैं? मतलब कहते हैं 9 बजे का तो वेबिनार है, उसके लिए लोग अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं, मतलब अपना, मतलब ऐसा भी क्या होता है ये 9 पीएम वाले सेशन में? धरती फूट जाए, आसमान हिल जाए, इधर का उधर सब पूरा जहां हो जाए, 9 पीएम वेबिनार आज तक किसी ने ना मिस किया है ना आगे कोई मिस करेगा, इतना अल्टीमेट होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्यों सर 9 पीएम ऐसा क्या है? एग्जैक्टली सर, क्योंकि उसमें जो नेक्स्ट लेवल नॉलेज मिलेगी आपको, जो स्किल्स मिलेगी, वो ना कहीं पे होती है ना कहीं पे सिखाया जाएगा आपको। ओके, टोटली नेक्स्ट लेवल, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दैट्स अ पॉइंट। ओके, सो मिस आनंदी, यहाँ पे बेसिकली मैं ही सिखाता हूँ कि और भी मतलब मिलीनियर्स हैं हमारे साथ या और भी लोग हैं जो हमें सिखाते हैं? प्लीज मैम बताइए। गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ आनंदी पटेल एंड मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। तो नहीं सर, लाइक आपके सीनियर शो की है जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म पे लाया, वो भी सिखाते हैं बहुत, लाइक जो हमारी एज के है, तो 18, 19, 20 की एज में जिन्होंने लाइक काफी कुछ अर्न किया हुआ है, वो यहाँ पे आके सिखाते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में ग्रो करना है। तो और भी बहुत सारे सीनियर है जो कि जब आप लोग जब कल 12, 4 and 9 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो कल समझ में आएगा कैसे कैसे लीडर्स से पर्सन होते हैं यहाँ पे, मतलब कि ऑल ओवर, मतलब कहाँ कहाँ से पर्सन होते हैं। अगर बात करूँ सर, हमने पूरा इंडिया ही नहीं, लाइक पाकिस्तान, दुबई, यूएसए, देन अफ्रीका, लाइक पूरा वर्ल्ड कवर किया हुआ है, आने वाले टाइम में हर जगह पे लाइक और लाइक गेम चेंजर्स 23। सबसे ज्यादा जो देखो ग्रोथ है वो राइट नाउ पाकिस्तान में एंड इंडिया में हो रही है, तो जो भी लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल। और कई लोगों का ड्रीम होता है कि कोटा में जाके पढ़ना है, मतलब बढ़िया बढ़िया डिग्री करनी है, सब कुछ करना है। सो हमारे साथ पर्सनैलिटी मिस्टर अभिजीत नायर, ये भी अगर बात की जाए तो बहुत मतलब अल्टीमेट एज में आया है एंड बहुत यंग एज में काफी ज्यादा अर्निंग भी कर चुके हैं, बिकॉज पहले लर्निंग की इन्होंने भी सीखा। ओके, तो अभिजीत आप क्या पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और क्या कर रहे थे? जी, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिजीत नैन है, मैं ऐसे कोटा राजस्थान में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था मेडिकल के लिए, जो मेडिकल का पेरेंट्स होती है उसमें नीट का प्रिपरेशन होती है, तो उस चीज का मैं स्टडीज कर रहा था। साथ ही साथ मुझे ना पिछले लॉकडाउन में जस्ट एक साल पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी से प्रोवाइड हुई कि आप कैसे इंट्रोड्यूस हो सकते हो इस चीज के बारे में। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे सब कुछ होता है कि भाई क्या सच में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत कुछ ना हम लोग मार्केट में सुन चुके होते हैं इस चीज के बारे में कि ऑनलाइन वैसा होता है वैसा होता है, तो सेम तरह का माइंड था, हर लोग सोचते थे, तो सेम चीज मेरे साथ भी था कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए। तो फिर मैंने अपने तरफ से जो भी हो सकता था मैंने सर्च वर्च किया, फिर भी पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा था। जब मैं सेशंस, लाइव सेशन, उस टाइम पे ना पहले वीडियोस प्रोवाइड किए जाते थे, तो मैं वीडियोस के थ्रू उतना तो ज्यादा मतलब क्लैरिटी नहीं मिल पाया। जब मैं लाइव सेशन अटेंड किया, अटेंड करने के बाद थोड़ा थोड़ा ओके, मतलब आपको लाइव सेशन वगैरह देखे एंड आपको काफी कुछ सीखने को मिला। हाँ जी, लाइव में करना था बिजनेस, लेकिन घर वालों को प्रेशर था क्या कि अगर 10th में अच्छे नंबर आए तो जाओ जाकर के इंजीनियर, नहीं तो फिर डॉक्टर बनो, ये सबके घर में होता है। तो सेम चीज मेरे साथ ही था, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। That's why you are here. Okay, thank you. Great brother, great. So मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो गाइस, यहाँ पे एक पर्सन नहीं है, सबसे बड़ी बात सारे यूथ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे वेबिनार में, हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे पर्सन है जो इंडियन नेवी से हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे पर्सन भी हैं जो मतलब 50 प्लस भी हैं, मतलब कोई ऐसी एज नहीं है कि सिर्फ यूथ है। वी आर ऑल्सो हैविंग पीपल फ्रॉम 50 प्लस एज, वी आर ऑल्सो हैविंग पीपल जो आर्मी में है, हर तरह के पर्सन है। सो एक हमारे साथ बहुत ही ग्रेट लीडर है, ओके मिस खान, तो ये प्रिंसिपल की जॉब कर रहे थे तो भी ये यहाँ पे आए। सो हाय मिस खान, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? ओके, सो गाइस कैसे हो सभी, आप सब कैसा लग रहा है प्लेटफॉर्म, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ मुझे, कैसा लग रहा है? मैं तो सभी को देख रही हूँ, इतना गौर से देख रहे हो, थोड़ा स्माइल भी कर लो। Yes, that's great. This is the way to attend the webinar. That's great. बहुत refreshing लग रहे हो सभी. Okay, so basically क्या होता है ना, आने वाले तो बहुत सारे persons हैं. आपको बहुत सारे अलग अलग personalities दिखेंगे, बहुत student दिखेंगे. In fact, मैं भी एक student भी हूँ, ठीक है, मैं एक BBA student हूँ, plus side to side एक job कर रही थी, पहले teacher थी, then after that I was become principal बन चुकी थी. But last year lockdown था, as usual lockdown, schools बंद, colleges बंद, सब कुछ बंद,
मैं घर पर ही थी, इंस्टाग्राम पर मैंने मिली हूँ समरान सर से, देन आई मेट मानिक अग्रवाल सर एंड इट इज अ लाइफ चेंजिंग डे. कहते हैं ना एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, लिया हुआ एक मिनट का डिसीजन, ठीक है, बट वो आपकी पूरी लाइफ चेंज नहीं करेगा, आपको उसके लिए थोड़ा बहुत अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है. 3 दिन का वेबिनार लगाओगे, 3 दिन में डेफिनेटली बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बट इसके बाद की जो नॉलेज होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी, आपकी लाइफ चेंज कर देगी, ठीक है. मैम वो बिजनेस ग्रुप में दी जाती है वो नॉलेज, ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रुप. 9 PM वाला वेबिनार क्या होता है मैम बेसिकली? 9 PM वाला वेबिनार में तो जो अल्टीमेट लेवल की नॉलेज मिलती है वो तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है. कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं कि सारे वेबिनार्स देखने हैं और ये वाला ही देखना है, बट सारे भी देखने हैं, बट ये वाला तो कभी मिस नहीं करना है. इसमें डेली अलग अलग आपको नॉलेज मिलेगी और सिखाने वाले तो हमारे मानिक सर है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है, ठीक है. बाकी ग्रेट नॉलेज सभी के पास है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. सबसे बड़ी बात वही है कि मैं यूथ हूँ. हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. गिव अ बिग हैंड फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. सो वी हैव अ गर्ल मिस यामिनी. ओके, बेसिकली इंडियन है बट ये लंदन के लगते हैं, फॉरेनर लगते हैं. ओके, सो हाय मिस यामिनी, हाउ आर यू? हेलो सर, गुड इवनिंग. आई एम ऑडिबल. या गुड इवनिंग मैम, आप ऑडिबल हो मैम, आप प्लीज अपना शेयर. या हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग. आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जस्ट एक बार रेज हैंड कर दीजिए. ओके, सो बेसिकली द थिंग इज यामिनी मैम बी ऑलरेडी. या यस सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अ वेरी गुड इवनिंग. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में, सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सेफ होंगे. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का मैं सीधा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. आई थिंक आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया के थ्रू मिली होगी. आप लोग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फेसबुक के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड होंगे. सेम वे लास्ट ईयर मुझे भी अपॉर्चुनिटी इंस्टाग्राम के थ्रू अवेलेबल भी, राइट, जो मेरे सर जिन्होंने मुझे बताया, करुण सर, उनके थ्रू, राइट. देन गाइज, दैट टाइम आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. लास्ट ईयर मैंने अपना इंजीनियरिंग खत्म करा 2020 में, राइट. सो जेई मेंस का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई हो गया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया, राइट. उत्तराखंड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो उत्तराखंड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज वहां पे मेरी स्टडीज हुई है. ओके, सो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सभी को पता है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करते हैं आफ्टर 12th, सो दैट प्लेसमेंट हो जाए, है ना. आप सारे, बहुत सारे बच्चे मेरे को अभी सुन रहे होंगे जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, राइट. सो जब मैं अपने थर्ड ईयर में होती थी बीटेक के, तब मेरा माइंड सेट था यामिनी 10,000 की भी नौकरी मिल गई तो चुपचाप कर लेना, वरना रिलेटिव क्या कहेंगे, लड़की ने बीटेक कर लिया अब घर बैठी है, राइट. तो मैं सोचती थी 10,000 की भी मिल जाएगी तो मैं कर लूंगी. बट क्या हुआ, फैब मंथ में कॉलेज में कंपनीज आती है, राइट. देन मैं प्लेसमेंट में बैठी और मैं प्लेस्ड हो गई 2 से 3 कंपनियों में. कॉलेज में होड़ होती है ना प्लेसमेंट लेनी, एक नहीं, दो नहीं, चार चार कंपनियों में, राइट. पैकेज भी अच्छा खासा लग गया, ऐसा नहीं था कि 10-15 हजार जो आजकल मिलता है यूथ को, कॉलेज कर लेता है फिर कितना मिलता है, 10,000-20,000, ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार. तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था. अच्छी खासी जॉब लगी थी, पैकेज अच्छा था, 40-50,000 पर मंथ दे रहे थे. लेकिन मैं कहती हूँ मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि लॉकडाउन हो गया. आई डोंट नो आप लोगों का लॉकडाउन कैसा गया, बट 2020 मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा गया. मुझे पता ही नहीं चला लॉकडाउन कब खत्म हो गया और अभी भी मुझे नहीं पता लॉकडाउन है, क्योंकि हमारा काम चल रहा है, राइट. सो गाइस, 3 reasons थे इस प्लेटफॉर्म को अपना एज अ करियर लेने का. फर्स्ट रीजन था गाइस अर्निंग. आप बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, किस किस को बहुत अर्निंग चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ अर्निंग. आप सिंपली एक रेज हैंड कर सकते हो, अर्निंग चाहिए बेसिक. हम सब यूथ हैं, हमारा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर होता है पैसा. पैसा मिल जाए कुछ भी कर लेंगे, राइट. मेरा भी यही था, वही पैसे मिलने चाहिए, बिजनेस क्या मैं कुछ भी कर लूंगी. ओके, सो फर्स्ट थिंग यही कंपेयर किया मैंने अपनी जॉब. मेरे को जुलाई से ज्वाइनिंग करना था एंड इन द मंथ ऑफ मई मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिल चुका था. सो पहली चीज मेरे को यही समझ में आ रही थी, पैसा है, पैसा जॉब में भी है, तो भाई यहाँ पे क्यों करूँ, जॉब ही कर लेती हूँ, सारी दुनिया जॉब करे, राइट. सेकेंड रीजन गाइज, हेल्थ. क्या आपको किसी जॉब में हेल्थ मिलती है? क्या कोई जॉब वाला, बैंकिंग, लाइफ, ट्रैवल, म्यूजिक इंडस्ट्री आपको हेल्थ देती है? कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, आपको पता होगा इरफान खान और शशि कपूर को आप लोग जानते होंगे, उस टाइम उन लोगों की डेथ हुई. तो मेरे को समझ में आ रही थी एक चीज, यामिनी, इन लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन अब रहे नहीं दुनिया में, क्या करेंगे इतने पैसे का. तो वहां पे मुझे फॉरएवर से समझ आ रहा था कि फॉरएवर हेल्थ भी दे रही है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स है. तो यहां से मैं अपनी भी सिक्योर कर पा रही थी हेल्थ, पेरेंट्स की भी और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की भी, राइट. थर्ड रीजन क्या था गाइज, इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का, लाइफस्टाइल. आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको साल के 2 international tour देता है?
कार प्लान लेवल देता है, इवन फॉर एवर आपको 11 टाइप की इनकम देती है जो पूरी पैसिव इनकम होती है. एक एक्टिव इनकम होती है आफ्टरऑल, उसके बाद 10 इनकम जो होती है पूरी एज अ पैसिव इनकम मिलती है. आप बताइए आपको कोई सा प्लेटफॉर्म पता हो, ऐसी कोई जॉब, ऐसा कोई सेक्टर, किसी को भी पता हो तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं. ओके सो मैंने गो थ्रू किया इस प्लेटफॉर्म को पूरा, गूगल यूट्यूब सब चीज करके देखा एंड देन कंपेयर करा अपनी जॉब और इस बिजनेस को, राइट. देन मेरा माइंडसेट बना धीरे धीरे धीरे. पहले मैंने ऐसा शुरू किया था कि भाई जॉब के साथ साथ कर लूंगी, बट जुलाई आते आते तक जितना मुझे जॉब में मिलना था उससे ज्यादा मेरी इनकम हो गई थी, तो फिर कौन जाएगा जॉब पे, राइट. फिर ऐसे मैंने यहाँ पे अपना करियर शुरू कर दिया. अब मैं फॉर एवर एज अ पार्ट टाइम नहीं, एज अ फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम करती हूँ पूरे रात दिन सुबह शाम. मैं फॉरएवर ही करती, क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पे हम इंटरनेशनली भी वर्क कर सकते हैं. आपको पता है जब इंडिया में सुबह होगी इंटरनेशनली रात हो रही सुबह हो रही होगी, राइट. सो अभी बात करूं अपनी इनकम की, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप गेस कर सकते हो अभी मेरी एज है वो जस्ट 21 मुझे स्टार्ट हुआ है गाइस. एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अप्रोक्स 70,000 to 80,000 यहाँ से अर्न कर रही हूँ. ओके एंड बहुत ही जल्द वो इनकम 1 lakh अबव होने वाली है. ओके एंड एट द एज ऑफ 21. ओके सो इफ आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, ऑफकोर्स आप भी कर सकते हो. बट ये कैसे होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको फर्स्ट लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट. पहले गाइस जब मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा था तब क्या था, मैं बस पैसे 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 के पीछे भाग रही थी. सबके अच्छे अच्छे चेक आए, सब लोगों ने अच्छी ग्रोथ ली, मेरे को कुछ बना ही नहीं. क्यों? मेरा लर्निंग एटीट्यूड था ही नहीं, मुझे मन में था पैसा आ जाए बस, राइट. सो आप लोग ये गलती मत करना. सिखाएगा कौन आपको यहाँ पर? मानिक सर सिखाएंगे, उनकी पर्सनल मेंटोरशिप्स आपको मिलेंगी. ओके अगर वो एट द एज ऑफ 29 to 10 lakh इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हो तभी तो मैं 60,000 to 70,000 अर्न कर पा रही हूँ. अगर आप बाहर जाओ किसी भी सेक्टर में जाओ, इवन आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, उनसे पूछो कि मेरे को 50,000 कमाना सिखा दो, वो आपको सिखाएंगे? बताइए, आप लोग रेज हैंड करके बताइए आपकी फैमिली में जो अच्छा आपके रिलेटिव जिनकी फैमिली इनकम बढ़िया होगी वो वेल सेटल्ड होंगे, क्या वो आपको सिखाते हैं? क्या वो आपको सिखाते हैं कि महीना 10,000 कैसे कमाते हैं, महीना 20,000 कैसे कमाते हैं? कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, ये चीज मैंने खुद देखी है. ओके बट यहाँ पे जो लोग अर्निंग कर रहे लैक्स में वो आपको सिखाएंगे कि लैक्स में अर्निंग कैसे होती है. एंड गाइस आपको इतनी श्योरिटी मैं देती हूँ कि होल गेम चेंजेस 23, ये जो गेम चेंजेस 23 जिस फैमिली के साथ आप लोग एसोसिएट होने वाले हो रहे हो, वी पीपल आर ऑलवेज देयर फॉर यू 24/7. हम आपके साथ हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए. बस आपने हमारा हाथ पकड़ लेना है एंड धीरे धीरे चलना है. एंड एक बार डिफिकल्टी आएगी फर्स्ट 50,000 क्रॉस करने में, एक बार सीख गए तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है. ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू मानिक सर, आप करिए कॉन्टिन्यू. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. कैसा लगा गाइस? सो मतलब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है ना, सो गर्ल्स भी रॉकिंग कर रही हैं. एंड सबसे बड़ी बात, गर्ल्स आर नॉट मेड फॉर फॉलोअर्स. मैंने पहले दिन ही बोला था आपको दैट जिस प्लेटफॉर्म में आप आ रहे हो उसमें ज्यादा बॉयज से ज्यादा गर्ल्स अर्न कर रहे हैं, तो आपने देख ही लिया आज, है ना. सो नाउ द थिंग इज, How many of you are ready for to be part of our beginners group? मतलब अगले हमारा जो group है beginner, जैसे उस coach ने बताया था आपको कि मेरी भी starting कभी ना कभी shallow water से हुई थी, वैसे ही आप में से कितने लोग ready हैं beginners group का part बनने के लिए, beginners group का? Oh my God, everyone is get ready. That's amazing. Okay, सभी ready हैं. But the thing is, हमारे पास सिर्फ 50 seats हैं. We are only having 50 seats. Why 50 seats? Because the thing is ki already kya hota hai ki hum kafi sare persons hamare sath aate hain but hum sirf quality mein deal karte hain. Jaise aapko pata hai koi usko hum bana rahe nahi hai aur usko sirf join kara rahe hain, to we need only 50 persons jinhe hum is business mein, is beginners group mein join karenge. So who want to be in that 50? पहले दिन देखा होगा 200 सिलेक्ट किए हमने, है ना, 200% सिलेक्ट किए फर्स्ट डे. एंड नाउ द थिंग इज ओनली 50. ओके सो द थिंग इज, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. ओके कुछ भी फ्री नहीं है. आज के डेट में आप एक शर्ट भी लेने जाते वो भी आपको फ्री नहीं मिलती, एक पेंसिल भी लेने जाते वो भी आपको फ्री नहीं मिलती, ठीक है जी. तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. तो आपने जैसे देखा, तो छोटे से मैं आपसे माइंड चेक करना चाहूंगा आपका, एंड उसके बाद फिर हम आप 5 मिनट्स में वेबिनार को क्लोज करेंगे. ओके सो अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 1 crore rupees में मिले,
अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको पूरा सुन के जाना, मैं माइंडसेट चेक कर रहा हूँ, अगर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 1 करोड़ रुपीस में मिले, कितने लोग 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? कितने लोग 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? ओहो, स्टूडेंट है ना, कहां से करेंगे? बिल्कुल सही, आप सब स्टूडेंट हो, मैं आपकी बात मानता हूं। ओके, अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको अराउंड 50 लाख रुपीज में मिले तो कितने लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी? 50 लाख रुपीज, बड़े हैं, फॉर्च्यूनर आ जाएगी इतने में तो, है ना, इंडिया में तो फॉर्च्यूनर आ जाएगी। नो, एक दो के हाथ खड़े हो भी रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चलो नो इश्यू। अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 1 लाख रुपीज में मिले तो कितने लोग अभी कई लोगों के हाथ हो रहे हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, बिकॉज द थिंग इज, जैसे आमनी मैम ने बताया कि उनकी 5th-6th month में जो अर्निंग है वो काफी ज्यादा होने लग पड़ी थी, बट द थिंग इज फिर यूथ है ना, स्टूडेंट है, कहां से करेंगे? तो अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 50,000 रुपीज में मिले तो कितने लोग 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपको 50,000 रुपीज में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, ओहो नहीं है ना, कर भी सकते हैं, ओके कर सकते हैं कई लोग, बट यूथ है, ओके। अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको 10,000 रुपए में मिले तो कैसे लगेगा? 10,000 रुपीज में मिले तो कैसे लगेगा? ओहो, यहाँ भी बहुत सारे लोगों के रेजेंट हो रहे हैं, कितने लोग कर सकते हैं? रेजेंट करना है, रेजेंट करना फास्ट, दैट्स अ पॉइंट, 50, टॉप 50, वाओ, अमेजिंग। बट अभी भी हम सबके लिए बात करना चाहते हैं, है ना, हम सबको लेना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे, हमें सही चाहिए क्वालिटी। कितने लोगों को अगर यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी 5,000 रुपीज में मिले तो सीखने का भी मौका मिले प्लस अर्निंग करने का भी मौका मिले और उसके बदले में प्रोडक्ट भी मिले, तो कितने लोग 5,000 रुपीज कर सकते हैं? ओके, कर देंगे, सारे कर देंगे ना, 5,000 से कुछ भी नहीं होता, सभी कर देंगे। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। चलो पहले बात, एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई लोगों के पास इतने भी नहीं होंगे, बट इतने भी नहीं करने, इससे भी कम करना हमने। ये दीवार है, इस दीवार के पीछे 10 रुपए पड़े हैं, आप अगर इस दीवार को तोड़ोगे तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, कितने लोग तोड़ेंगे इस दीवार को? हाँ, शाबिर खान जी तोड़ोगे? क्यों, 10 रुपए मिलेंगे सर। ओके, इस दीवार के पीछे फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए पड़े हैं और आपको इस दीवार को तोड़ने से 5 मिनट के अंदर, आपके पास ना कोई हथियार है ना कुछ, कितने लोग तोड़ेंगे? सारे तोड़ेंगे। क्यों, क्या क्लियर हुई? वाई क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई? वाई क्लियर हुई। सेम वे अगर मैं बोलूं, कितने लोगों के पास 2 लाख रुपया पड़ा है अभी राइट में, 2 लाख रुपया, अगर उनको मैं बोलूं कि रात तक मुझे अगले 1 घंटे में 2 लाख रुपया चाहिए, कितने लोग 2 लाख रुपया ला के दे सकते हैं? नहीं ला सकते ना, बहुत सारे लोग नहीं ला सकते। मैं अगर आपको बोलूं, आप स्टूडेंट हो, आप भले कुछ भी हो, मैं अगर आपको बोलूं कि 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, अगर आपको बोला जाए 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाख रुपए में मिल रही है, जो बंदा अगले 1 घंटे में 2 लाख रुपए ला के देगा उसको 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी मिलेगी, तो कितने लोग लाएंगे? कितने लोग लेंगे? अब कहां से आया 2 लाख रुपया? अब कहां से आया? अभी तो कह रहे थे 2 लाख भी नहीं है। क्या क्लियर हुई? मतलब आप सब पैसा निकाल सकते हो, पैसा लगा सकते हो, क्लियर क्या करना पड़ता है? माइंडसेट क्लियर क्या करना पड़ता है? आपको पता लगे 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी 2 लाख में मिल रही है, आप तो कहीं से भी लाओगे, क्योंकि पता है 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी मिल रही है, am I right? तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना तो आपको 1 करोड़ देना है, ना आपको 50 लाख देने, ना आपको 10 लाख देने, ना आपको 1 लाख देना है, ना ही आपको 50,000 देना है, ना ही आपको 10,000 देना है, ना ही आपको 5,000 देना है, ना ही आपको 4,000 देना है, ना ही आपको 3,000 देना है, ना ही आपको 2,000 देना है। आपको हमारे बिगिनर्स ग्रुप का पार्ट बनने के लिए फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स 23 आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 वाली जो डील है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1200 रुपीस में मिल रही है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीस देने हैं एंड पाकिस्तान करेंसी में आपको 2400 रुपीस देने हैं, जो चीज पहले 5,000 रुपए में होती थी इंडिया की करेंसी में और पाकिस्तान की करेंसी में 10,000 रुपए में होती थी, अब वही चीज, वही ट्रेनिंग, वही सिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट हो रहा है इंडिया के 1200 रुपए में और पाकिस्तान के 2400 रुपए में, करेंसी डिफरेंट हो जाती है। तो कितने लोग अब टॉप 50 में सिलेक्ट होने के लिए रेडी हो चुके हैं? कितने लोग रेडी होने हो चुके हैं? अरे वाह, अब तो लड्डू फूट रहे, अब तो करेंगे भैया, अब तो करेंगे। तो जिसने भी इनवाइट किया फास्ट उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप करो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे,
I have watched full webinar. Tell me how to pay. For जिसने भी आपको invite किया उस person को message करो. I have watched full webinar because we are only left with 50 seats. हमारे पास सिर्फ 50 seats हैं. And आप देख सकते हो कितने सारे लोग इस webinar में हैं. Pakistan timing रात को 8:30 and Indian timing रात को 9 बजे आपका webinar होगा. तो कितने लोग आज 9 पे हमारे session में आ रहे हैं? आपने registration करवा के. Only for those people who are registered. Okay, great. तो जो लोग इंडिया से हैं. ओके इनके साथ अगर आप इंडिया से हो एंड अभी आपका अपलाइन अवेलेबल है तो जल्दी से उसको मैसेज करो. अगर आप पाकिस्तान से भी हो जिसने भी इनवाइट किया उस पर्सन को मैसेज करो आई हैव वॉच फुल वेबिनार टेल मी हाउ टू पे. अगर आप इंडिया से हो एंड अगर अभी आपके पास पेमेंट का नहीं मोड तो आप यहां से पेमेंट कर सकते हो. इसके ऊपर आप पेमेंट कर सकते हो. ओके तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ऑलरेडी इसके ऊपर काफी सारे लोग पेमेंट करते हैं तो ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है यहां से आपका. और सबसे बड़ी बात जो भी आप पे कर रहे हो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं है उसका आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा. उसका आपको प्रोडक्ट भी दिया जाएगा. मतलब आपको खाली ये नहीं है कि आप 1200 रुपए दे दिए तो गए. 1200 रुपए का आपको प्रोडक्ट मिलेगा. 2400 रुपए अगर आप दे रहे हो तो उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा. ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ आए हैं एंड जिस पर्सन से आप सीख रहे हो जो पर्सन आज आपको सिखाने वाला है अगर वो बात करे तो ऑलरेडी उसने भी मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया है. जैसे उस कोच ने आपको बोला था कि मैंने भी बिगिनर लेवल से शुरू किया था वैसे मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था. एक छोटी सी वीडियो आप देख सकते हो. ये तब की वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस. एक लाल कलर की टी शर्ट में एक लड़का दिख रहा होगा आपको. देखा सबको लाल कलर की टी शर्ट में ये मैं हूँ. ये 2018 की वीडियो है बट अभी सेम प्लेस पे 2020 पे जब मैं गया 2020 में सेम प्लेस पे गया दो साल बाद तो ये हाल था. सेम प्लेस पे जब मैं गया दो साल बाद तो ये सिचुएशन. ओके तो सीट्स खत्म हो रही है. अगली बारी जब आऊ ना मैं देख रहे हो हाल देख रहे हो. खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही थी मुझे क्योंकि मेरे जो फैन फॉलोइंग है जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे देखा जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया वो इस लेवल की रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया. तो जिसने भी इन्वाइट किया वो आप बताओ जल्दी से बताओ बिकॉज गाइस ओनली 27 सीट्स आर लेफ्ट. ओनली 27 सीट्स आर लेफ्ट. जिसने भी इन्वाइट किया उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप करो. एंड अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो आपको जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया आप इस पे कर सकते हो. ओके आप इस पे कर सकते हो. टेक ए स्क्रीनशॉट आप इस पे प्रोवाइड कर सकते हो. ओके सो मिस्टर विजय स्वानी आप कुछ कहना चाहते हो? ब्रदर नहीं सर अभी तो कुछ भी नहीं. ओके सो बेसिकली विजय स्वानी क्यों करना चाहिए इनको ये? सर देखो सिंपल है. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है. बाकी देखो सब अपना घर का है. देखो आपने भी पे किया था जब आप आए थे. बिल्कुल सर बिल्कुल कहते. देखो सर कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती. आजकल के टाइम पे इतना है कि आपको देख सकते हो आपको तो ऑक्सीजन फ्री में नहीं मिलता. जीने के लिए आप वो भी खरीद सकते हो तो ये तो बहुत मिनिमम अमाउंट है. सबको हम डील नहीं कर सकते. हमको क्वालिटी में डील करना है. कुछ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हो बट इसके आपको प्रोडक्ट भी मिलते हैं तो वो आप माइंड में मत रखना कि हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपके अपने लोग खा जाएंगे. बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं है. सबसे बड़ी बात आप अकेले नहीं आपकी तरह और भी बहुत सारे लोगों ने हमारे से स्टार्ट किया था. बिल्कुल आप ही की तरह स्टार्ट किया था. कैसे इनकी लाइफ चेंज हुई है आप देख सकते हो. कैसे लोगों की लाइफ चेंज होती है फॉरएवर में. हमारा काम है आपको मैनेजर बनाना. ये हमारा काम है आपको मैनेजर बनाना. और वी नीड ओनली 50 पीपल. ऑलरेडी 20 सीट्स ही रह गई है. और एज मैटर नहीं करती. आप देख सकते हो इस बिजनेस में एज मैटर नहीं करती. कोई गरीब है कोई मिडिल क्लास है कोई अमीर है कोई भी कर सकता है इस बिजनेस को. कोई भी कर सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग. ये मेरे अपलाइन ने जो मुझे लेके आए डेढ़ साल पहले स्टार्ट किया. डेढ़ साल के अंदर अपनी खुद की गाड़ी परचेज कर ली स्कोडा रैपिड. ये भी आपको सिखाते हैं यहाँ पे. और भी बहुत सारे लोगों के चेक की अगर बात करूं अगर हम अप्रैल मंथ की बात करें अप्रैल 2021 ठीक है जी. तो अप्रैल 2021 की चेक की बात करें तो अप्रैल मंथ का जो चेक है 3,94,000 को टच किया. ठीक है जी. तो बहुत सारे पे आउट है. अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ मैं. ओके लॉकडाउन के अंदर ही किसी का पे आउट आप देख सकते हो 1,22,000 का है. ये जो लड़का है 18 साल की एज में 1,83,000 का पे आउट है. 1,83,000 का पे आउट जस्ट एट द एज ऑफ 18 हमारी टीम के अंदर. आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. और आगे चलते तो बहुत सारे पर्सन टाइम अप हो रहा है. गर्ल्स आर रॉकिंग. अगर आप देखो अंजना ठाकुर है 1,36,000 का पे आउट. और क्या बूढ़े बूढ़े हैं. और ठीक है आप मोनिका ठाकुर देख सकते हो 1,09,000 का पे आउट. ओके इनकी इंस्टा आईडी भी आपको दी गई है मेंशन की गई है. मिस्टर माधव गुप्ता मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड. ओके अप्रैल मंथ का पे आउट 80,000 समथिंग. ओके मिस्टर सुशील अगर उनकी पे आउट की बात करें तो 96
ओके 96,000 तो सभी के पे आउट आ रहे हैं यहाँ पे. मिस्टर सचिन का पे आउट 1,09,000, मिस्टर सोमवीर का पे आउट 1,55,000, 1.5 लाख, मिस्टर विक्की हैरियर मैन 2,89,000 के, इन्होंने अपने दम पे अभी हैरियर परचेज किया यार. अचीवमेंट्स की बात करो, अचीवमेंट्स है ही नहीं, इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स है. मिस्टर आयुष वीर 1,26,000 का पे आउट. तो क्या देख रहे हो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो? ओके तो मिस्टर प्रवीण देख सकते हो, मिस्टर अमन कुमार देख सकते हो 1,28,000, 1,24,000. चेक नहीं खत्म होंगे, इतने सारे लोग ऑलरेडी हमारी टीम में रॉक कर रहे हैं. ओके मिस्टर विजय कुमार 1,38,000. मिस्टर गाड़ियों के नंबर देख लो, हर गाड़ी का जो नंबर है वो 23 है. बिकॉज गेम चेंजर्स 23 का मतलब क्या है, जो भी गाड़ी हम परचेज करते हैं इस ग्रुप के अंदर उस गाड़ी का जो नंबर होता है 23 होता है. मिस्टर मनीष कुमार 1,35,000. सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू जर्नी टू सक्सेस. कितने लोगों ने पे कर दिया हुआ है, कितने लोगों ने पे कर दिया हुआ है टाइप वन, कितने लोगों ने पे कर दिया हुआ है? ओह माय गॉड, काफी सारी पेमेंट्स आ रही हैं मुझे. ओके अगर अपलाइन आपके अवेलेबल नहीं है तो आप इस पे कर सकते हो. ठीक है जी, तो 2400 फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इंडिया 1200 रुपीज. सो ऑलमोस्ट सीट्स या, तो जिसने भी इनवाइट किया उससे आपने बात कर ली, उसे आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया, थैंक यू सो मच. सो मिलते हैं रात को 9 बजे पाकिस्तान टाइम 8:30 बजे. कितने लोग आ रहे हैं फिर आज 9 बजे रात को, कितने लोग आ रहे हैं आज रात को 9 बजे? अरे वाह, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. सो मिलते हैं फिर, ऑल दी बेस्ट है सबको. ठीक है, कल को भगवान को मत कहना कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कल को भगवान को मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया. भगवान ने खींच के थप्पड़ मार के बोलना है, मानिक अग्रवाल को भेजा था ना तेरी लाइफ में, पकड़ लेता उसका हाथ, तू भी आज कामयाब होता. ओके सो थैंक यू सो मच. अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो इस पे कर दो, नहीं तो आपको जो लेके आया वो आपको प्रोवाइड कर देगा. ओके थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. This side Manik Agarwal. So milte hai raat ko 9 p.m. Pakistan time 8:30. But registration is must. Okay. So all the best everyone. So mile. Aa rahe hain fir. Okay ji. Thank you so much. Bahut acha laga aap sabse baat karke. Okay. And Instagram ID meri hai Manik Agarwal official. Uspe zarur aap follow karke rakhe. Okay. Bye everyone. Take care.